हाय एंड हेलो एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर अपन पेपर वन का नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पेपर वन में ये थर्ड नंबर का चैप्टर दिया हुआ है। इसके पहले के लेक्चर में अपन ने चैप्टर नंबर टू कंप्लीट किया था, मैट्रिसेस। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, तो इसको स्टार्ट करने पहले कुछ चीजें मैं आपको, बेसिक चीज जो इससे रिलेटेड है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा हुआ है कि जैसे अपने पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं, इनमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर उनके रेसिप्रोकल्स। टैन थीटा का रेसिप्रोकल कौन आता है? कॉट थीटा आता है। कॉस का कौन आता है? सेक आएगा। और कोसेक, सॉरी, साइन किसका आएगा? कोसेक का आएगा। ओके, तो इस तरीके से अपने को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं। आज अपन बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंस क्या है। अरे मैं दो चीजें अपने पास में, एक है अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा है अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले मैं दोनों में आपको डिफरेंस समझा देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या होता है? व्हेन When we deal with the right angle triangle, right angle triangle, when we deal with the right angle triangle, then at that time we use ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब अपन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, उस समय जब अपन साइन थीटा, कॉस थीटा यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। फॉर एग्जांपल अगर देखना है तो ये मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ट्रायंगल को नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। ये आर एंगल मैंने कंसिडर किया, इसका मेजरमेंट समझ लो थीटा लेता हूं। तो ये 90 डिग्री है, तो उसके सामने की साइड क्या हो जाता है? हाइपोटेनस। जो एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं उसके सामने के साइड को अपन बोलते हैं अपोजिट, और जो साइड बच जाती उस साइड को क्या बोलते हैं? अपन एडजेसेंट। तो ऐसे तीन साइड मिला के अपना क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यहां पर अगर मैं बोलूंगा साइन आर या साइन थीटा, साइन थीटा भी साइन है, मालूम है आपको, क्या लेते हैं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये हो गया मेरा अपोजिट और ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। अगर मैं यहां पे इसकी बात कर लू कॉस की, तो कॉस में क्या लेते हैं अपन? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे जो मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा यूज किया हुआ है, ये हो गया मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या होता है? व्हेन वी डील विद द राइट एंगल ट्रायंगल, जब अपन राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में बात कर रहे हैं, उस समय जब अपन यूज करेंगे तो वो जो रहेगा उसको बोलते अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, अब आते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तरफ। पहले क्या देखा अपन है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब क्या देखने वाले अपन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? व्हेन वी डील विथ When we deal with the trigonometric equation, when we deal with the trigonometric equation, then at that time, we use trigonometric function. जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और व्हेन वी डील विद द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, देन एट दैट टाइम वी यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब राइट एंगल के साथ में बात करते हैं तो वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की समय जब बात करेंगे,
तो वो जो होता है उसको बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर देखना है तो जैसे यहां पे लिख दिया मैंने रूट टू कॉस थीटा इक्वल टू वन, तो यहां पे जो कॉस थीटा आ गया ये क्या हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि वी डील विद द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अपन किसके साथ में डील कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ में डील कर रहे हैं अपन। तो जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, अभी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ये जो कॉस थीटा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेगा। सेकंड एग्जांपल अगर आपको देखना है तो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया टैन थीटा इक्वल टू वन, टैन थीटा इक्वल टू वन। सो दिस कॉस थीटा और टैन थीटा इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हियर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड हियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप उसको कहां पर यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको रेशियो बोलते हैं या कभी उसको क्या बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब यहां पे एक वर्ड आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो पहले इसको समझ लेते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने को इक्वेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं फिर अभी इक्वेशन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे अभी अपन? इक्वेशन। पहले क्या देखा अपने? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देख लिया अपने कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसको बोलते हैं। फिर आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। अब चलेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरफ। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन के बारे में देख लेंगे कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन मतलब क्या है? व्हेन द एक्सप्रेशन, व्हेन द एक्सप्रेशन हैविंग द साइन ऑफ इक्वल टू, जब आपके पास में एक्सप्रेशन रहेगा और उस एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू साइन अगर आती है, व्हेन द एक्सप्रेशन हैविंग द साइन ऑफ इक्वल टू और व्हेन द एक्सप्रेशन इन्वॉल्व द साइन ऑफ इक्वल टू, यानी एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू साइन अगर आ गई तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलते उसको अपन? इक्वेशन। आई वजन में किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं अभी अपन? इक्वेशन की बात कर रहे हैं अपन। क्या देखा इक्वेशन में? व्हेन द एक्सप्रेशन हैविंग द साइन ऑफ इक्वल टू, आपके पास में अगर एक आधा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन के अंदर जब इक्वल टू साइन आ जाती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। आया मैं? अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है इसको भी अपन देख लेते हैं। ये अपने एक्सप्रेशन वगैरह का 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ओके, फिर भी अपन देख लेंगे एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन मींस क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स रियल नंबर्स एंड ऑपरेटर्स, रियल नंबर्स एंड ऑपरेटर, इन सबका कॉम्बिनेशन करके आपका क्या बनता है? एक्सप्रेशन। अब ये अल्फाबेट में कौन आएगा? ए बी से लेके जेड तक, अरे मैं फिर ये जो अल्फाबेट है ये फिर से दो इसमें डिवाइड होता है, एक होता है आपका वेरिएबल में, अरे मैं, और दूसरा आपका होता है कोएफिशिएंट में, जिसको हम बोलेंगे वेरिएबल, और यहां पे अपन लगा देंगे कोएफिशिएंट। ओके, दो इसमें आपका ये डिवाइड हो गया, एक आपका हो जाएगा वेरिएबल और दूसरा कोएफिशिएंट। ओके, फिर आगे रियल नंबर। रियल नंबर तो बहुत सारे आपके पास में, या कोएफिशिएंट ना बोलते हुए इसको अपन बोलेंगे आर्बिट्री बोलेंगे इसको, आर्बिट्री कांस्टेंट बोल देते इसको। कैसे? मैं आपको समझा देता हूं। एक रियल नंबर तो आपको मालूम है, रियल नंबर में जितने भी आपके पास में नंबर्स है सभी नंबर्स का हेड कौन है इसमें? रियल नंबर है, जिसमें आपके होल नंबर आ जाते हैं, इंटीजर आएंगे, जितने भी डिजिट्स नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट विदाउट अंडर रूट सब कुछ किसके अंदर आएंगे? रियल नंबर्स में आएंगे। यानी इस तरीके से रूट थ्री आएगा, वन बाई थ्री भी आ सकता है, माइनस वन आएगा, जीरो आएगा, एट आएगा। ओके,
ऑपरेटर्स आपको मालूम है, प्लस माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में आपका डिवीजन वाला ऑपरेटर, दीज आर द ऑपरेटर्स। ऐसे सबका कॉम्बिनेशन करके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सप्रेशन। एकदा अगर आपको एग्जांपल अगर देखना है, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जो एक्स और वाई है ये वेरिएबल का काम कर रहे हैं, ए बी और सी ये किसका काम कर रहे हैं, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट का काम कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स दी हुई नहीं है। सेकंड एग्जांपल अगर मैंने यहां पे लिखा थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, सॉरी एक्सप्रेशन है ना, तो एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन नहीं आएगा, थ्री एक्स प्लस फाइव। अब यहां पे देखो एक्स वेरिएबल हो गया, थ्री और फाइव ये क्या हो गए आपके रियल नंबर्स हो गए, ओके थ्री और फाइव क्या हो गए रियल नंबर, ये आपके पास में एक्सप्रेशन दिए हुए। जब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वल टू साइन लगा देता हूं तो फिर क्या बन जाता है, वो इक्वेशन बन जाता है। यानी इक्वेशन के एग्जांपल्स क्या आएंगे मेरे पास में, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी उसको जो अपने लिखा था फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, अगर ये नहीं है तो यहां से यहां तक एक्सप्रेशन हो गया, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, और इक्वल टू साइन लगा दिया मतलब क्या हो गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सेकंड एक अपन लीनियर इक्वेशन की बात कर लेते हैं, थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, अगर ये नहीं है इतना ही पार्ट है तो एक्सप्रेशन हो गया, इक्वल टू साइन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अगर ये नहीं है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इक्वल टू लग गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अगर नहीं है तो लीनियर एक्सप्रेशन, और अगर इक्वल टू साइन आ गई तो क्या हो जाएगा आपका, वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। आइए तो ध्यान में कहां से शुरुआत किया था अपने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखा था अपने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो व्हेन वी डील विद द राइट एंगल ट्रायंगल देन एट दैट टाइम दिस साइन थीटा कॉस थीटा कैन बी ट्रीटेड एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंड व्हेन वी डील विद द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देन एट दैट टाइम cos theta tan theta is known as the trigonometric function. Then we see about the trigonometric equation. So before that trigonometric equation, we first know about the equation. So what is the definition of equation, or which is called as equation? So when the expression having the equal to sign, then that is called as equation. Then we think about the expression, that which is called as expression. Okay, already you learn about in the previous classes, you know about this expression. Okay. So expression means it is the combination. Combination means collection of, what is the collection of? Alphabet, real number and operator. The alphabet has the variables and arbitrary constant. For example, A, B, C, this is an arbitrary constant. In this case, we can substitute any value. Okay, so it is the combination plus sign or minus sign. You can take here plus as well as minus multiplication as per our requirement. So this is called as expression. And when this expression having the equal to sign, then it is called as इक्वेशन है ना। ये इतना थोड़ा आपने क्या देखा, इसका एक बेसिक देखा, और थोड़ा सा एक बेसिक बाकी है सॉल्यूशन से रिलेटेड बाकी है, कि अगर आपके पास में इस तरीके से एक्सप्रेशन रहेगी तो इनका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये अगर आपके पास में दिया हुआ है तो इनका सॉल्यूशन क्या आएगा, बिकॉज ऑल दीज आर द इक्वेशन, इट इज ऑल्सो द इक्वेशन, इट इज ऑल्सो द इक्वेशन। ओके, सो वॉट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको इस टाइप का करें, दिस इज कॉल्ड एज अल्जेब्रिक, दिस इज कॉल्ड एज अल्जेब्रिक इक्वेशन। अल्जेब्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, वो अभी अपन देखेंगे, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ओके, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सॉल्यूशन के बारे में, तो पहले अपन देख लेते क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल वी सेटिस्फाई द इक्वेशन। आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे ये जो लिखा हुआ है ये अल्जेब्रिक इक्वेशन है, और ये जो लिखा हुआ है ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसमें जो वेरिएबल है, जैसे यहां पर वेरिएबल कौन सा है, एक्स। ओके, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू कौन सी है, माइनस थ्री। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वी सेटिस्फाई द इक्वेशन, वेरिएबल कौन है इसके अंदर, एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री। ये माइनस थ्री इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब माइनस थ्री ने इसको सेटिस्फाई किया तो माइनस थ्री इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक्स इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन,
इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन एक्स नहीं है, एक्स इज द वेरिएबल, और उस वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, मींस -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ध्यान रखना, बहुत से जन बोलते हैं एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, -3, सो दैट्स वैल्यू, मींस -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। में बहुत जन बोलते हैं कि x इज द सॉल्यूशन, x इज नॉट द सॉल्यूशन, इट इज द वेरिएबल, ओके, द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज -3, सो दिस -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मींस वी सेटिस्फाई द इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाई, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दैट इज कॉल्ड एज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आफ्टर सब्स्टिट्यूट, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन, ओके। वेरिएबल की जो वैल्यू आ गई, यहां पे वैल्यू कौन सी आ गई, -3, ये -3 अगर मैं इसमें पुट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, मतलब -3 ने इसको क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई करने का मतलब मैंने यहां पे लिख के दिया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन दिस -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशन, समझ गया। फिर नीचे मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने फैक्टर कराया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो मुझे यहाँ पे x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3, मींस -2 एंड -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्या हो जाएंगे, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पुट करके देखो, -2 यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या हो गया -10, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 कितना हो गया 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। -3 पुट करके देखो, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, -3 यहाँ पे पुट करोगे -15, 15 माइनस 15 क्या हो गया 0 हो गया, ओके। मीन्स एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू -3 मीन्स -2 एंड -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, -2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, -3, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, -2 एंड -3, सो दिस -2 एंड -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Why it is the solution of this quadratic equation? Because if we substitute the value of this -2 and -3 in this equation, we get the left hand side is equal to right hand side. Means these values satisfy this equation. That's why it is the solution of this quadratic equation. Okay, so it is related with the algebraic expression. अब हम लोग बात करेंगे trigonometric equation की. Trigonometric equation में क्या दिया है आपको? cos x equal to 1 upon root 2 trigonometric equation समझता ना, the equation which having the trigonometric function is called as trigonometric equation, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख के देता आपको trigonometric equation मतलब the equation having the trigonometric function, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, द इक्वेशन हैविंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनको क्या बोलेंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे, ओके। इक्वेशन आपको समझ गया है, तो कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2 मेरे पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, ओके। तो मैंने देखा कि कॉस के इसमें 1/√2 वैल्यू कब मिलती है, ऐसा कौन सा एंगल है उस एंगल के ऊपर मुझे कॉस वैल्यू कितनी देगा, 1/√2 देगा, तो कॉस की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पे मिलती है आपको, पाई बाय 4 पे मिलती,
ओके ऑन द एंगल ऑफ पाई बाय फोर द कॉस पाई बाय फोर इज वन अपॉन रूट टू, पाई बाय फोर बोले तो 45 डिग्री। ओके तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन रूट टू होती है। तो कॉस एक्स इक्वल टू दिस वन अपॉन रूट टू इज रिप्लेस बाय कॉस पाई बाय फोर, दिस गेट कैंसल्ड, वी गेट हियर एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर। क्या मिला आपको, एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, मीन्स दिस पाई बाय फोर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पाई बाय फोर इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज अ वेरिएबल एंड पाई बाय फोर इज द वैल्यू, सो दिस वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दैट्स वाई पाई बाय फोर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ पाई बाय फोर, तो कॉस पाई बाय फोर कितना हो जाएगा वन अपॉन रूट टू, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स वाई पाई बाय फोर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके देन देयर इज अनदर सोल्यूशन, दैट इज कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर। अगर मैं कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर भी अगर पुट कर लू, अरे मैं क्या पुट किया मैंने, कॉस माइनस सॉरी पाई माइनस पाई बाय फोर, ओके थोड़ा सा ये हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव फोर्थ क्वार्टर रहेगा, यहाँ टू पाई होना ये कितना हो जाएगा फिर फोर टू साइड दैट इज सेवन पाई बाय फोर। ओके पहला मेरा आंसर थ्री पाई बाय फोर आता तो इसको सेटिस्फाई करता था क्या, नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या आता था, निगेटिव आता था। ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा पाई माइनस पाई बाय फोर टू पाई ये कैसे लेते करके, अभी अपने को सिर्फ क्या देखना है कि ये जो x इक्वल टू पाई बाय फोर आ गया, अगर मैं यहाँ पे पाई बाय फोर पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलता है, इसका ही मतलब पाई बाय फोर उसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं अपन, एक उसका दूसरा और एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि जैसे यहाँ पे लिखा है कॉस टू पाई माइनस पाई बाय फोर, फिर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका कितना हो गया सेवन पाई बाय फोर, जब मैं ये सेवन पाई बाय फोर भी इसके अंदर पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, वन अपॉन रूट टू मिलेगी। सो इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल मतलब क्या हो गया, एक्स, जिसको अपन एंगल बोलेंगे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, अगर मैं यहाँ पे पाई बाय फोर पुट करता तो मुझे वन अपॉन रूट टू मिलेगा, और अगर मैंने सेवन पाई बाय फोर भी यहाँ पे पुट किया तो भी मुझे कितना मिलेगा, वन अपॉन रूट टू मिलेगा। सो दीज आर द सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये सोल्यूशन किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सॉल्यूशन किसका है, लीनियर इक्वेशन का। ओके फिर अपन नेक्स्ट टर्म पे आते, नोट के फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये जो आपका है दिस इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आइदर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैविंग आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलता है वो, अगर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो वो इक्वेशन के दो टाइप्स के आपको मिलेंगे, एक तो फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा या दूसरा क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे, एक तो रहेगा फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा या दूसरा क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ना मैं। तो ये जैसे मैंने यहां पे दिया हुआ है एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन को सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और वो कौन सी करेगी, माइनस थ्री करेंगी। माइनस थ्री के अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू लूंगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे कि इस इक्वेशन को नहीं करेगा। माइनस थ्री की जगह आप कोई भी लो, जैसे मैंने टू वैल्यू ले लिया, टू टू जा फोर, फोर प्लस सिक्स कितना हो गया टेन, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है क्या, नहीं आता है, मतलब x इक्वल टू टू इसका सॉल्यूशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक ही इसका सॉल्यूशन है और वो कौन है, माइनस थ्री। मीन दिस लीनियर इक्वेशन हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, ये जो लीनियर इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है। सो दिस लीनियर इक्वेशन हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है, मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वन। कितने सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही मेरे पास में सॉल्यूशन है आजन में। तो ये कैसा हो गया फिर, फाइनाइट, एक ही सॉल्यूशन है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है। सो दैट्स व्हाई दिस ट्रिग्नोमेट्री सॉरी दिस लीनियर इक्वेशन हैविंग द ओनली वन सॉल्यूशन मींस द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वन। इसके कितने सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, मतलब फिक्स है, उससे ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे क्या, नहीं आएंगे। यहां पर भी ये दो ही नंबर है,
ये दो नंबर को छोड़ के अगर मैं कोई भी नंबर लूंगा तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। अरे माइनस टू और माइनस थ्री को अगर आप छोड़ दो तो कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां पे कितने हैं, दो है। तो हियर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज टू। तो इनके सॉल्यूशन कैसे है, फाइनाइट है। इनके सॉल्यूशन कैसे है, फाइनाइट है, कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है। इसके दो ही सॉल्यूशन है, उससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है। मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज फाइनाइट। ये जो दोनों आपको दिए हुए, इन दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे हैं, फाइनाइट है। ओके, फिर आएंगे अपन इनफाइनाइट की तरफ। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, आप जितने बार रोटेट करते रहो उतने आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपके समझ में आ गया क्या बोलना चाहता हूं मैं, कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक तो आपको फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा या क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के यहाँ पे अपने देखा कि ये जो मेरे पास में इक्वेशन लिखा हुआ है इसको कितने सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने है, दो सॉल्यूशन है। ओके, तो अब अपन आएंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या है डिफरेंस। ओके, फाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब मिलेंगे, व्हेन वी फाइंड इन द इंटरवल। जब आप एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढते हो, व्हेन यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन पर्टिकुलर इंटरवल। कोई भी आपको एक आधा इंटरवल दिया हुआ है और उस इंटरवल के बीच में अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, देन एट दैट टाइम वी गेट द फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो उस समय अपने को सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, तो देखिए अभी ये जैसे यहां पे लिखा हुआ है 0 to 2 pi लिखा हुआ है, इस इंटरवल की बात करा, इस इंटरवल में मुझे जो मिलेंगे वो कैसे रहेंगे, फाइनाइट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ले लेना है, यहां पे जैसे मैं लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, अब ये 0 to 2 pi के अंदर साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब आती वो देखना है मुझे, साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब आती वो मुझे देखना है। साइन थीटा की जीरो तो आपको मालूम है ना, आपके हाथ में यहाँ फटाक से ऐसा निकालते हो, यहाँ पे जीरो डिग्री करते, इसको पाई बाय टू लिखते, इधर पाई लिखते, यहाँ पे 3 pi/2, फिर ये कितना हो गया 2 pi। आपको कितनी वैल्यू ना, जीरो वैल्यू ना, तो जीरो वैल्यू कहाँ पर आपकी साइन की, यहाँ पर आती और इधर आती, इधर वैल्यू कितनी आती 1 और यहाँ पर वैल्यू कितनी आती -1, ये तो आप सबको पता ही है। ओके, तो मुझे क्या होना, इंटरवल कौन सा दिया है, 0 to 2 pi तक दिया हुआ है। इस इंटरवल के अंदर साइन की वैल्यू जीरो कहां पे आती है, साइन की वैल्यू जीरो कहां पे आती है, जीरो पे आती है, और कहां पे आती है, पाई पे आ गई। साइन की वैल्यू कहां आ गई, जीरो पे आ गई, पाई पे आ गई और 2 pi पे आ गई। यानी ये मैंने अगर इंटरवल लिया 0 to 2 pi, ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल आपको समझता ही है। ओके, 11th स्टैंडर्ड में अपने देखा हुआ है इंटरवल में, तो ये क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल में ये जो इंटरवल मेरे पास में एक इंटरवल दिया है 0 to 2 pi, इस इंटरवल में मुझे साइन की वैल्यू जीरो कहां कहां मिलने वाली है, जीरो पे मिलेगी, पाई पे मिलेगी और 2 pi पे मिलेगी। सो मैं यहां पे लिखता हूं इसको इस तरीके से, 0 to 2 pi अगर मुझे इंटरवल दिया हुआ है तो मेरा आंसर क्या आएगा, थीटा इक्वल टू जीरो, दूसरा आएगा पाई और बाद में क्या आएगा 2 pi। अब ये तीन ही मेरे पास में, जो तीन क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे ये रेंज के अंदर, है ना, क्योंकि मुझे इंटरवल फिक्स दिया है, मुझे 2 pi के बाद में जाना नहीं है और जीरो के पहले आना नहीं है। इस इंटरवल में कितने मिलेंगे, तो मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गए, यहां पे फाइनाइट हो गए। हियर वी गेट द 3 number of solution, हियर वी गेट द 3 number of solution विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को ये तीन एंगल क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगर समझ लो मैं इंटरवल ऐसा लेता हूं 0 to 2 pi और 2 pi पे मैंने ओपन कर दिया, यहां पे क्या था, क्लोज था। अब 2 pi पे क्या कर दिया, मैंने ओपन कर दिया। 2 pi पे ओपन कर दिया मुझे, मैं 2 pi तक नहीं जाऊंगा, 2 pi के पहले ही मुझे गाड़ी रोक देना पड़ेगा। अरे मैं इस पॉइंट तक मैं जाने की जरूरत नहीं है, 2 pi के पहले ही मुझे, 2 pi के पहले मुझे गाड़ी क्या करना पड़ेगा, रोक देना पड़ेगा। तो अब इसके सॉल्यूशन क्या क्या मिलेंगे आपको, यहां पे थीटा की वैल्यू मिलेंगे आपको 0 और पाई,
क्या वैल्यू मिलेंगे आपको, जीरो और पाई मिलेंगे, है ना। इंटरवल कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों तरफ क्लोज है तो आपको तीन नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले, इधर ओपन है तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिला। हियर वी गेट ओनली वन सॉल्यूशन, हियर वी गेट ओनली वन सॉल्यूशन, सॉरी ओनली टू सॉल्यूशन वी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। वन कब मिलेंगे आपको सॉल्यूशन, जब आपका इंटरवल ऐसा रहेगा, जीरो पे भी ओपन है और टू पाई पे भी क्या है ओपन, यानी जीरो भी नहीं आएगा टू पाई भी नहीं आएगा, उसके बीच में कौन आएगा, सिर्फ पाई आएगा। सो एट दैट टाइम यू गेट द ओनली वन सॉल्यूशन, सो दिस इज कॉल्ड एज फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो व्हेन वी गेट द फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इफ वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर अगर अपन सर्च करेंगे, इस इंटरवल के अंदर अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तब मुझे जाके जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन क्या रहेगा मेरा, फाइनाइट रहेगा। अगर ये इंटरवल है तो वी गेट द थ्री नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड ओनली वन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सो दैट इज द फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गई। सो व्हेन वी गेट द फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इफ वी टॉक अबाउट द इंटरवल, पर्टिकुलर इंटरवल के बारे में बात करेंगे, तब आपको जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो कैसे मिलने वाला है, फाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब आएंगे अपन ड्यू टू पीरियोडिसिटी, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब मिलेगा आपको, ड्यू टू पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी आपको समझता है, जीरो जीरो के बाद में पाई, पाई के बाद में पाई बाय टू, फिर पाई बाय टू के बाद में आएगा पाई, पाई के बाद में थ्री पाई बाय टू, जैसे आपने यहाँ पे लिखा ही है जीरो पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू टू पाई, फिर वापस ऊपर यहाँ पे चलेंगे तो फाइव पाई बाय टू, इधर आएंगे तो थ्री पाई हो जाएगा। सो ड्यू टू द पीरियोडिसिटी, अगर आप उसको रोटेट ही करते रहोगे, क्या करते रहोगे आप उसको रोटेट ही करते रहोगे, तब जो अपने को सॉल्यूशन मिलेंगे वो कैसे रहेंगे अपने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या रहेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे रहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यही एग्जांपल अपन कैरी ऑन करते हैं साइन थीटा इक्वल टू जीरो का। पहले यहां पे मैं लिख के देता हूं आपको, यहां एंगल कौन सा रहेगा मेरा, जीरो रहेगा, ये रहेगा एंगल जीरो, जीरो के बाद में इधर कौन आएगा पाई, पहले एक्स एक्सिस के लिख लेते फटाफट, फिर वाई के लिखते, जीरो इधर आ जाएगा पाई, फिर यहां पे जाओगे तो क्या रहेगा आपके पास में टू पाई रहेगा, फिर इधर आओगे तो कितना रहेगा थ्री पाई रहेगा, इधर जाएंगे तो आपके पास में फोर पाई रहेगा, फिर इधर आएंगे तो आपके पास में कितना रहेगा फाइव पाई रहेगा। इस तरीके से पाई क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल यही कैरी ऑन कर रहा, साइन थीटा इक्वल टू जीरो का ही एग्जाम्पल कैरी ऑन कर रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के देता हूं साइन थीटा इक्वल टू जीरो, अब मुझे मालूम है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू कितनी मिलती मुझे साइन की, जीरो। इधर भी निगेटिव डायरेक्शन में भी साइन की वैल्यू कितनी मिलती है यहाँ पे, जीरो। साइन की वैल्यू जीरो कहां पे मिल रही है आपको, साइन की वैल्यू जीरो कहां मिलती, जीरो पे मिलती, पाई पे मिलती, टू पाई पे, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, कितने भी पाई अंदर सभी पाई के ऊपर साइन की वैल्यू क्या मिल रही, जीरो मिल रही। सो हियर वी गेट साइन थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, ऐसे कितने भी पाई रहने दो, सभी पाई के ऊपर अपने को वैल्यू क्या मिलती जा रही है उसकी, जीरो। सो दीज आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जितने बार आप रोटेट करोगे, पहले रोटेट करोगे दो मिले, फिर और रोटेट करोगे चार हो जाएंगे, और रोटेट करोगे दिन भर घूमते रहो आप, तो जितने बार आप घूमते रहोगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते रहेंगे आपके, जनरेट होते रहेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये क्या रहेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे। यानी इसको अपन डायरेक्ट फाइनल लिख सकते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ये वो काम की चीज मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। तो अपने क्या देखा, फाइनाइट मतलब पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो अपने को जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, और अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ की बात कर रहे हैं तो डिपेंड अपॉन द पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी के हिसाब से मतलब कुछ इंटरवल के बाद में वैल्यू क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है, सभी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू क्या होती जाएंगी, रिपीट होती जाती है आफ्टर सम पीरियड, कुछ पीरियड के बाद में वैल्यूज क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ड्यू टू द पीरियोडिसिटी द वैल्यू इज रिपीटेड। तो अपने को जीरो वैल्यू होना था, जीरो वैल्यू मुझे ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहां पर मुझे वैल्यू क्या मिलती है साइन थीटा की, जीरो मिलती। मैंने यहां पे लिख के दिया है जितने बार मैं इसको घुमाऊंगा, दो बार रोटेट करूंगा तो चार वैल्यू मिलेंगे, सिंगल रोटेशन में वैल्यू कितनी, एक कंप्लीट रोटेशन
कंप्लीट रोटेशन किसको बोलते हैं, 360 डिग्री का। अपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है एंगल एंड इस मेजरमेंट में कंप्लीट रोटेशन, दैट इज द 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन। एक अगर रोटेशन मारूंगा तो दो मिलेंगे, दूसरा रोटेशन में और दो मिलेंगे, यानी दो रोटेशन किया तो चार मिलेंगे, तीन रोटेशन में छह मिलेंगे। ऐसे में जितने रोटेशन करते रहूंगा उतनी वैल्यूज क्या होती रहेगी, मेरी जनरेट होते रहेगी। सो दीज आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रोटेशन, बिकॉज आफ्टर सम पीरियड्स द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज रिपीटेड। आई था ध्यान में। सो इन दिस वे वी हैविंग द टू विद द फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटेड विद द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, वो भी यहां पे मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। आई बात ध्यान में। तो ये जो मैंने स्क्रीन बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है, इसमें दो चीजें आपको समझ में आ गई कि ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये कौन सा फंक्शन है आपका, अल्जेब्रिक फंक्शन है। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन वन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू है, मतलब ये फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। उसकी अगर मैं बात कर लूँ सिर्फ इंटरवल में, अगर बात करूंगा तो फाइनाइट मिलेंगे, विदाउट इंटरवल अगर मैं बात करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई यहाँ तक, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने आपको लिख के दिया अपने को इसकी बहुत जरूरत गिरने वाली है। अरे मैं जब आप इसके बारे में आगे अपन जब चलेंगे, जब अभी इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो कौन सा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जहां पे आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इधर के हिस्से में आएगा, जनरल सॉल्यूशन उधर के हिस्से में जाएगा, तो वहां पे इनकी बहुत अपने को जरूरत गिरने वाली है ना। और ये पूरा आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, 10th स्टैंडर्ड में तो इतना काम नहीं किया था, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपको एक ही रोटेशन दिया हुआ रहता है, 0 से लेकर 90 तक ही दिया हुआ रहता ओके। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में ही आपको पूरा दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन किसमें पॉजिटिव रहता है, किसमें निगेटिव रहता, वो सब अपने को अभी यहाँ पे देखना है। अदर में तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन चलेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। ओके, तो अभी अपने इसके अंदर देख लिया फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब अपने को देखना है सॉल्यूशन के टाइप्स, तो दो टाइप है मैथ में, एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक आपके पास में दिया हुआ है जनरल सॉल्यूशन। वी हैविंग टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस व्हेन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन द इंटरवल। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब मिलेगा अपने को, व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन दिस इंटरवल, देन एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की वैल्यू इस इंटरवल में फाइंड आउट करोगे, तब कौन सा इंटरवल, 0 टू 2 पाई, और 2 पाई पे क्या रहेगा, वो ओपन रहेगा, 2 पाई पे क्या रहेगा, ओपन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर जब अपन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन आएगा, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो क्या बोलते हैं उसको अपन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए अपने को ये इंटरवल दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी की बात करता हूं मैं, साइन थीटा इक्वल टू, यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, थोड़ा सा आप नोट्स बनाते हो बराबर ध्यान में रखिए। तो साइन थीटा इक्वल टू, मैंने यहां लिख दिया साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो गया अल्फा, मींस अल्फा इज द सॉल्यूशन, माइनस 3 इज द सॉल्यूशन, नॉट एक्स इज द सॉल्यूशन। यहां पे कौन सॉल्यूशन है, माइनस 3, सी हियर अल्फा इज द सॉल्यूशन बिकॉज अल्फा इज द वैल्यू ऑफ थीटा, हियर माइनस 3 इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट्स व्हाई माइनस 3 इज द सॉल्यूशन। सिमिलरली दिस अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अल्फा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ओके, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज लाइज बिटवीन दिस इंटरवल, दैट इज 0 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन ट्वाइस पाई। यानी आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो वैल्यू अगर इस इंटरवल में आती है तो उसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस
द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज लाइज बिटवीन 0 to 2 pi, एंड आपका जो भी सॉल्यूशन आने वाला है वो अगर इस इंटरवल के बीच में रहेगा तो उसको बोलेंगे अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास में लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहां पे क्या हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई अल्फा, सो अल्फा इज द सॉल्यूशन। हु इज द सॉल्यूशन, अल्फा, थीटा इज नॉट द सॉल्यूशन, रिमेंबर दिस पॉइंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से दैट थीटा इज द सॉल्यूशन, थीटा इज नॉट द सॉल्यूशन, थीटा इज नॉट द सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ द थीटा इज द सॉल्यूशन। ओके, सो हियर द वैल्यू ऑफ थीटा इज अल्फा, सो दैट्स व्हाई अल्फा इज द सॉल्यूशन। सो अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज लाइज बिटवीन 0 to 2 pi। तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई हो रही, 0 से 2 pi के रेंज में लाई हो रही। तो ऐसे जो सॉल्यूशन रहेंगे उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फिर आते अपन जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज अकॉर्ड और दिस सॉल्यूशन इज टेकन फ्रॉम द पीरियोडिसिटी, यानी पीरियोडिसिटी की वजह से जो अपने को सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन ड्यू टू द पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी मतलब आप जितने बार रोटेट करोगे उतने आपकी टर्म्स बढ़ते जाएगी, सो दैट इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैविंग द वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0 to 2 pi, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मींस ड्यू टू द पीरियोडिसिटी वी गेट द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे अपने को, द सॉल्यूशन विच इज जनरलाइज बाय यूजिंग द पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी की वजह से जो सॉल्यूशन जनरेट होता है उसको बोलेंगे अपन जनरल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल मेरे पास में साइन थीटा इक्वल टू जीरो, इसको फिर मैंने यहां पे लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, और यहां पे वैल्यू गई तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में अभी 0, यानी ये जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू यहां से क्या मिलेंगी अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपको मिल रही है, अरे मैं क्या क्या मिली आपको अल्फा की वैल्यू, 0 मिला, पाई, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 0 पे आपको मिलता है, 2 pi पे आपको वैल्यू मिल गई, पाई पे भी मिला हुआ है, 3 pi, ऐसे कितनी भी पाई है, और फिर इसको मैं लिख दूंगा तो वो कितना हो जाएगा एन पाई। सो दिस इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन, क्या हो गया आपका वो जनरल सॉल्यूशन हो गया। आई था देन में क्या ध्यान रखूंगे, वी हैविंग द टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ थीटा इज लाइज बिटवीन दिस रेंज, देन दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एंड ड्यू टू द जनरलाइजेशन ऑफ पीरियोडिसिटी वी गेट द सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। ओके, ये समझ गए यहां तक। अब अपन क्या करेंगे, कुछ अपने को टाइप्स दिए हुए, जैसे ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ऐसे अपने उसमें 6 टाइप्स दिए, उनके जनरल सॉल्यूशन भी आपको दिए हुए, तो अभी यहां तक अपन आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको जनरल सॉल्यूशन के बारे में डिटेल समझा के देता हूं। आया ना, बहुत इजी पार्ट है, ओके, लेकिन वो समझना बहुत जरूरी है, तो आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर मैं ये पूरा इरेज करके जनरल सॉल्यूशन के बारे में आपको समझा के देता हूं। ओके, बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला ए और सेकंड बी। ए कैटेगरी में दिया आपको साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, उसका सॉल्यूशन आपके पास में थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू द पावर एन अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। सेकंड आपको दिया है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, उसका सॉल्यूशन दिया है ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो सॉल्यूशन क्या है एन पाई प्लस माइनस अल्फा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज द सॉल्यूशन, सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, ये तीनों का क्या रहेगा आंसर, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। जनरल सॉल्यूशन मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर एन आता है, दिस आर द सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब जहां पर एन नंबर आता है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स अगर इनफाइनाइट आती है तो उसको बोलते हैं अपन जनरल सॉल्यूशन। अब यहां पे एन की वैल्यू आप जो भी पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो पाई प्लस माइनस अल्फा जो भी कुछ रहेगा वो आएगा, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, आप एन की वैल्यू कितनी भी पुट कर सकते हो, यू कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ टाइम्स,
जितने बार आप पुट करते रहोगे उतने आपको क्या मिलते रहेंगे, सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तो ऐसे जो सॉल्यूशन है यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो जाएंगे वो पूरे आपके कहाँ आएंगे, जनरल सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने देखा हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप जनरल टर्म फाइंड आउट करते थे TN, जिसको लास्ट टर्म भी बोलते थे, तो जनरल टर्म फाइंड आउट करते थे मतलब उसमें N आता था, तो जिस सॉल्यूशन में N आ गया दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो ये सभी जगह N आ गया मतलब क्या, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो पहले मैं क्या करता हूँ आपको इसको समझा के देता हूँ, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पुराना जो सिलेबस था, पुराने सिलेबस में एक और टाइप था, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, टैन थीटा इक्वल टू जीरो। तो वो जीरो वाले प्रॉब्लम में हम इसी प्रॉब्लम से क्या करते थे, सॉल्व करते थे। इसलिए ये भी जो नया आपका जो सिलेबस बना हुआ है, ये नए सिलेबस के अंदर टाइप वन जो था वो क्या किया उन्होंने, कैंसिल कर दिया, क्योंकि टाइप वन के सभी प्रॉब्लम इसी मेथड से क्या होते थे, सॉल्व होते थे। अरे मैं तो इसलिए इस बार का जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है आपको। मैं जो कमिटी जो है उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरीके का टेक्स्ट बुक क्या किया है, डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर अनवांटेड पोर्शन जो वो क्या किया उन्होंने निकाल दिया है। हाँ, सिर्फ कहीं कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, अब ये फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ है तो उतना थोड़ा बहुत चलता ही है। ओके, तो चलिए अब आगे टेक्स्ट बुक की बात बाद में करते रहेंगे अपन। तो फिलहाल अपन आएंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के ऊपर आएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का ये सॉल्यूशन कैसे आया हुआ है। ओके, तो वो समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूं। तो पहले तो यहां मैं वो लिख लेता हूं कि आपको करना क्या है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आपको दिया हुआ है। ओके, अब ये समझने के लिए मतलब ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले अपने को एक टेबल आना बहुत जरूरी है, वो मैं यहां पर निकाल के देता हूं। टेबल आप ध्यान में रखिए, अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त भी इसकी अपने को बहुत हेल्प होने वाली है। ओके, और ये कोई नया नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, या पढ़ चुके हो ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड के अंदर है ना, लेकिन उसका और इसका क्या रिलेशन है वो अभी अपने को देखना है। सॉरी। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल आता है आपका, यहाँ पे समझ लो एंगल कौन आ गया, जीरो डिग्री आ गया। यहाँ पे कौन आता है, पाई बाई टू आता है। इधर आता है आपके हाथ में पाए, और यहाँ पे आता है आपके हाथ में थ्री पाई बाई टू, और फिर वापस यहाँ पे कौन आता है, टू पाए आता है। इस तरीके से आता है ना, जीरो पाई बाई टू पाए, थ्री पाई बाई टू, फिर वापस टू पाए, फिर यहाँ जाएंगे तो टू पाए में फिर पाए ऐड करो में, और टू पाए में फिर अगर आप पाए ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, फाइव पाई बाई टू होगा कि नहीं होगा, टू पाई प्लस पाई बाई टू दैट इज फाइव पाई बाई टू। ओके, अभी ऐसा लिखने में क्या है परेशानी जाती है अपने को, तो अपन क्या करते हैं पहले इसका लिख लेते फिर इसका लिखते हैं। देखो जीरो हो गया, पाए हो गया, टू पाए हो गया, इसको थ्री पाए बोल दो, फिर उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, फोर पाए, फिर इधर आएंगे तो फाइव पाए, इस तरीके से होते रहेगा। इसकी बात करते पाई बाई टू के बाद में थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू से क्या हो गया, फाइव पाई बाई टू, फिर यहां पे आ जाएगा कितना होगा, सेवन पाई बाई टू, फिर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, नाइन पाई बाई टू, फिर ये वापस नीचे आएगा तो कितना होगा, इलेवन पाई बाई टू। अरे इस तरीके से आप उसको जितने बार रोटेट करते रहोगे आपको एंगल मिलते रहेंगे। चलो ठीक है, फिर आगे आप बात करिए। तो समझ गया आपको हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, डैश डैश डैश, इसकी पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू, 11 पाई बाय 2, है ना, दो दो का डिफरेंस चलते रहता है। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यहां पर एंगल जो है वो कौन सा कंसीडर करेंगे अपन, अल्फा कंसीडर करेंगे। हियर वी कंसीडर द एंगल अल्फा, है ना, क्यों, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या रहा, अल्फा, अल्फा इज द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई यू कंसीडर द एंगल अल्फा। तो एंगल क्या लेंगे अपन, अल्फा लेंगे। ओके, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों क्या रहते उसमें पॉजिटिव रहते। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, टैन थीटा और कॉट थीटा, साइन थीटा उसका रिसिप्रोकल, टैन थीटा उसका रिसिप्रोकल, और इधर कौन रहता है, कॉस थीटा और उसका रिसिप्रोकल, सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहते। इधर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव, हियर साइन थीटा और उसका रिसिप्रोकल, टैन थीटा और उसका रिसिप्रोकल,
कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल, दीज आर द पॉजिटिव इन द रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट। ये जो है तीनों रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी बचे हुए क्या रहेंगे फिर निगेटिव रहेंगे। ओके, यहां पे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मेरा अल्फा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा आएगा मेरा अल्फा, अल्फा इज द वैल्यू ऑफ थीटा, सो पहले क्वाड्रेंट में अल्फा आएगा। सेकंड जो क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लेंगे अपन, पाई माइनस अल्फा, क्या लेंगे अपन पाई माइनस अल्फा, पाई यहां तक आता, पाई में से अल्फा माइनस करेंगे तो पाई माइनस अल्फा बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो पाई प्लस अल्फा, और इधर आएंगे तो क्या होगा टू पाई माइनस अल्फा। ये मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं, फर्स्ट राउंड में जब आएंगे, फर्स्ट राउंड में अगर समझ लो मेरे पास में यहां पे साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू दिया हुआ है, क्या दिया मेरे पास में साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, इसको मैंने ऐसा लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय फोर, कंपेयर कर दिया मैंने साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू थीटा की जगह अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है पाई बाय फोर, तो थीटा कितना मिला आपको पाई बाय फोर, एंड पाई बाय फोर इज नथिंग बट द अल्फा, तो अल्फा कितना हो गया अपना पाई बाय फोर हो गया। ओके, तो उसको क्या कंसिडर, ये जो आपका पाई बाय फोर है उसको क्या कंसिडर किया मैंने अल्फा, तो अल्फा मेरा सोल्यूशन है। सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है तो पाई माइनस अल्फा लूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्वाइस पाई माइनस अल्फा, यहां तक आ गए। फिर प्रॉब्लम आता है कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा लिया तो पाई बाय टू प्लस भी अल्फा होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों चीजें होती है। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई बाय टू प्लस अल्फा भी होता है और पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा बोला तो भी सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई बाय टू प्लस अल्फा बोला तो भी सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पर जब आ जाएगा तो यहां पर भी दो चीजें होती है, एक तो पाई प्लस अल्फा या थ्री पाई बाय टू माइनस अल्फा। फिर आप ये पूछोगे कि सर ये पाई माइनस अल्फा और पाई प्लस अल्फा ही क्यों लेते हैं अपन, वाई वी टेक द पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा, ये क्यों नहीं लेते हैं पाई बाय टू पाई बाय टू, ये क्यों नहीं लेते पाई बाय टू प्लस अल्फा क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि अपने को मालूम है साइन पाई बाय टू या कॉस पाई बाय टू कोई भी अगर रहें दो वो क्या होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कन्वर्ट होता है, पाई बाय टू अगर रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है चेंज होता है, जिसे साइन पाई बाय टू रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस में जाएगा, कॉस अगर है तो साइन में जाएगा, है ना, तो पाई बाय टू अगर अपन यूज करते हैं दे कैन चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, इसलिए अपन पाई बाय टू यूज नहीं करते। हियर वी कैनॉट यूज द पाई बाय टू बिकॉज द पाई बाय टू कन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन को कॉस में ले जाएगा, कॉस को साइन में जाएगा, टैन कॉट में जाएगा, कॉट टैन में जाएगा, सेक कोसेक में जाएगा, कोसेक सेक में जाएगा, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो वो झंझट नहीं होना करके अपन क्या यूज करते हैं, सेकंड क्वार्टर में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वार्टर में पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वार्टर में टू पाई माइनस अल्फा। समझ में आ गया, पाई बाय टू यूज नहीं करना बिकॉज पाई बाय टू चेंज देयर रेशियो, और पाई रेशियो चेंज नहीं करता, ये अपने खोपड़ी में बात फिट कर लेना कि पाई बाय टू चेंज द रेशियो, पाई इज नॉट चेंज द रेशियो, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। ओके, तो जब मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूंगा तो ये पाई बाय फोर यहां पे आ गया, फिर इधर अगर मुझे निकालना है सेकंड क्वार्टर की वैल्यू निकालना है तो पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा, और ये क्या हो गया टू पाई माइनस अल्फा, ये हो गया मेरा फर्स्ट राउंड। अब मैं सेकंड राउंड मार रहा हूं, सेकंड राउंड मारूंगा तो कहां पे जाऊंगा टू पाई पे, अल्फा पे जाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक राउंड कंप्लीट किया हुआ है, एक राउंड जब मैं कंप्लीट करूंगा तो ऑलरेडी मैं वन रोटेशन कंप्लीट हो गया, वन रोटेशन बोले तो 360 डिग्री हो गया, और 360 डिग्री बोले तो कितना हो गया टू पाई, यानी ऑलरेडी मैं टू पाई क्या कर चुका हूं ले चुका हूं, फिर मैं टू पाई से वापस पाई तक जा रहा हूं, यानी अब ये मेरा क्या हो जाएगा टू पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू पाई प्लस अल्फा, फिर वापस यहां पर आ गए तो अब आपका होगा थ्री पाई माइनस अल्फा, यहां पर आ गए थ्री पाई प्लस अल्फा, टू पाई तक यहां पे थे टू पाई प्लस अल्फा, फिर यहां पर पहुंच गया थ्री पाई पे, इधर जाओगे तो थ्री पाई माइनस अल्फा, इधर आओगे तो थ्री पाई प्लस अल्फा, फिर यहां जाओगे सो अब टू पाई तो खत्म हो जाएगा फोर पाई माइनस अल्फा, फिर ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा फोर पाई प्लस अल्फा, यहां पे आ जाओगे तो फाइव पाई माइनस अल्फा, यहां पे आ जाओगे तो फाइव पाई प्लस अल्फा, इधर आ जाओगे तो
सिक्स पाई माइनस अल्फा। इस तरीके से जितना आप रोटेट करते रहोगे आपको वैल्यू मिलता रहेगी। स्टार्टिंग कहां से किया था अपने, अल्फा, इधर पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, टू पाई माइनस अल्फा, फिर यहां तक पहुंच गया हमें टू पाई तक, फिर और ऊपर आ गया, और ऊपर आया तो कहां तक आया, अल्फा तक आया, तो टू पाई प्लस अल्फा कितना हो गया, टू पाई प्लस अल्फा, यहां थ्री पाई तक आ गया, थ्री पाई माइनस अल्फा, थ्री पाई प्लस अल्फा, फोर पाई माइनस अल्फा, फिर यहां फोर पाई पे पहुंच गया, फिर फोर पाई प्लस अल्फा, यानी एक यहां तक आया तो एक रोटेशन कंप्लीट, यहां तक आऊंगा तो दूसरा रोटेशन कंप्लीट, फिर वापस जाऊंगा तो तीसरा, ऐसे रोटेशन करते रहो, वैल्यू आपको क्या होते जाएंगी, बढ़ते जाएगी। ओके, अब इनको नोट डाउन करके रखते हैं अपन, ये समझ गया कैसे लिखा मैंने, धीरे धीरे आप इसको समझिए, एक बार अगर समझ में नहीं आती इस वीडियो का बार बार देखिए तो आपको समझ में आते रहेगा। ओके, क्योंकि कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे रहते जो वन टाइम्स ब्रेन में नहीं जाते, खोपड़ी में नहीं जाते वन टाइम में, तो उसके लिए आपको इसी वीडियो को बार बार क्या करते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, बार बार आप देखोगे तो अपने आप आइडियाज क्या होती जाती, क्लियर होती जाती। चलिए, यहां तक मैंने आपको ये समझा दिया कि अपन ये अपने को जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये अपने यहां पे क्या लिखा हुआ है करके, समझ गया यहां तक। ओके, अब आएंगे अपन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव कहां पे रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है और सेकंड क्वाड्रेंट में, द साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, यानी मुझे इनका अभी विचार करने की जरूरत नहीं है, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसके बारे में अपन सोचेंगे। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये साइन पॉजिटिव है तो साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, साइन थीटा इट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो फिलहाल मैं किसको विचार करूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, इनके बारे में ही मैं सोचूंगा, अरे मैं हियर आई थिंक ओनली अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल है वो मैं लिख लेता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है मेरा, उसमें अल्फा है, टू पाई प्लस अल्फा है, बाद में फोर पाई प्लस अल्फा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, पाई माइनस अल्फा, थ्री पाई माइनस अल्फा, फाइव पाई माइनस अल्फा, अरे देखिए साइन अल्फा की जो वैल्यू है वही वैल्यू मुझे कहां पे मिलेंगी, साइन पाई माइनस अल्फा मिलेंगी, वही वैल्यू मुझे कहां मिलेंगी, टू पाई प्लस अल्फा पे मिलेगी, वही वैल्यू मुझे कहां मिलेंगी, फोर पाई प्लस अल्फा पे, थ्री पाई माइनस अल्फा, फाइव पाई माइनस अल्फा, ये जो एंगल है इस एंगल के ऊपर मुझे वैल्यू क्या मिलेंगी, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, क्योंकि ड्यू टू द पीरियोसिटी द वैल्यू इज रिपीटेड, और वैल्यू कहां रिपीट होंगी, साइन अल्फा की वैल्यू साइन पाई माइनस अल्फा पे रिपीट होगी, टू पाई प्लस अल्फा पे रिपीट होंगी, फोर पाई प्लस अल्फा पे रिपीट होंगी, थ्री पाई माइनस अल्फा, फाइव पाई माइनस अल्फा, यानी आपको जो थीटा की वैल्यू मिलने वाली है, सो थीटा की वैल्यू कौन सी है, थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू जो रहेगी वही आपको वैल्यू कहां पे मिलेंगी, साइन ए पाई माइनस अल्फा पे, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा, फिर आएगा आपके उसमें, यहां नीचे के लाइन में लिखता हूं क्योंकि इधर बैठेगा नहीं। ओके, सॉल्यूशन अपने को निकालना है, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो उसका सॉल्यूशन रहेगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा, ये अल्फा उसका सॉल्यूशन हो गया, और कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, पाई माइनस अल्फा सॉल्यूशन होगा, और कौन सा सॉल्यूशन होगा, फिर 2 पाई प्लस अल्फा, फिर क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस अल्फा, फिर हो जाएगा 4 पाई प्लस अल्फा, 5 पाई माइनस अल्फा, ऐसा करते करते अपन जाएंगे। अरे बात ध्यान में, ये समझ रहे हैं ना क्या लिख रहे हैं अपन, आ रहा ध्यान में नहीं आ रहा है, देखिए एग्जांपल लेके अपन कर सकते हैं, जैसे यहां पे दिया है मेरे पास में साइन पाई बाय 4, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाय 4, अगर मैं इसको ऐसा लिख दू साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा, सो दैट इज साइन पाई माइनस पाई बाय 4, सो दैट इज साइन 3 पाई बाय 4, यानी पाई बाय 4 पे मुझे वैल्यू कितनी मिलेंगी, 1/√2, और 3 पाई बाय 4 पे भी वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 1/√2 साइन, बिकॉज साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में क्या है, पाई माइनस अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज पाई बाय 4, तो हियर पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर दिया, तो क्या मिला मुझे, 3 पाई बाय 4,
अगर आपने साइन 3 पाई बाय 4 निकाला तो आपको मिलता 1/√2। अगर आप साइन पाई बाय 4 निकालोगे तो भी कितना मिलेगा, 1/√2 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग एंगल पे वैल्यू मिलते रहेंगे। अगर आपको यहाँ निकालना है 2π प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4, यहाँ पे पुट कर दो पाई बाय 4, पाई बाय 4 पुट करोगे 2π बाय 4 प्लस पाई बाय 4 दैट इज 9π बाय 4, तो आपको 9π बाय 4 पे भी वैल्यू वही मिलेंगी। यानी अल्फा की वैल्यू क्या क्या मिली आपको यहाँ पे, पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे भी यही आंसर आएगा। फिर क्या निकाला आपने, 3π बाय 4, तो 3π बाय 4 पे भी यही आंसर रहेगा। और अभी क्या निकाला था आपने, 9π बाय 4, तो 9π बाय 4 भी यही मिलेंगे। आप जितना रोटेट करोगे उतनी अल्फा की वैल्यू क्या है, बढ़ते जाएगी। ओके, तो वही लॉजिक यहाँ पे अपन लगाए कि ये दोनों पॉजिटिव आपको दिया हुआ है, तो साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये मेरे पास में एंगल्स दिए हुए, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू साइन 2π प्लस अल्फा, साइन 4π प्लस अल्फा, इन सबकी वैल्यू सेम रहेगी, और यहां पर भी वैल्यू सेम रहेंगी, पाई माइनस अल्फा, थ्री माइनस अल्फा, सॉरी 3π माइनस अल्फा, 5π माइनस अल्फा। तो उनको मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ओके, अब चलेंगे यहां पे। अब ये जो मेरे पास में अल्फा दिया हुआ है, ये अल्फा को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, थीटा इक्वल टू, अगर मैंने इसको 0π प्लस अल्फा लिख दिया तो कुछ खराब होगा कि गलत हो जाएगा, इक्वेशन बिगड़ जाएगा, कि लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं ना, 0π मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, 0 प्लस अल्फा मतलब क्या होता है, अल्फा ही होता है। अपने को जनरल फाइंड आउट करना है, करके अपन सब इतना एफर्ट्स ले रहे हैं, ये आपका डैश डैश डैश। ओके, अब देखिए सभी जगह अल्फा है, सॉरी अल्फा भी है और सब में पाए, यहां पर पाए, ये 1π 2π 3π 4π 5π 6π ऐसे पाए पाए आते जा रहे हैं। यानी क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं एक जनरल टर्म जनरेट करने वाला हूं, क्या करने वाला, मैं जनरल टर्म क्या करूंगा, जनरेट करूंगा, और वो जो जनरल टर्म रहेगी, वो जनरल टर्म मतलब क्या हो जाएगा, आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देखिए एन पाई करता हूं, यहां पे 0π 1π 2π 3π ऐसे वैल्यू बढ़ रही है ना, एक एक से वैल्यू बढ़ती जा रही कि नहीं, तो मैंने यहां पर लिख दिया इसको एन पाई, एन की वैल्यू 0 लूंगा तो ये मिलेगा, एन की वैल्यू 1 लिया तो ये मिलेगा, एन की वैल्यू 2 लिया तो ये मिलेगा, एन की वैल्यू 3 लिया तो यहाँ पे आऊंगा, एन की वैल्यू 4 करूंगा तो यहाँ पे आऊंगा। तो चलो ये एक हो गया। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि कहीं पे प्लस है कहीं पे माइनस है, अल्टरनेट साइन चेंज हो रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चेंज हो रहा है ना। ओके, तो अल्टरनेट साइन क्या हो रही, चेंज होती जा रही, अल्फा तो है आखिरी में अल्फा दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम किसका आ रहा, प्लस का और माइनस का आ रहा। अब देखिए एन की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से नोट डाउन करके रखता हूँ आपको समझने के लिए, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 5 है। यानी एन अगर आपका ऑड है, एन क्या आपका ऑड है, एन अगर आपका ऑड है तो आपको निगेटिव आ रहा, एन इज ऑड देन यू गेट द निगेटिव, और अगर इवन है तो क्या आ रहा, पॉजिटिव। तो फिर इसको आपने क्या लिख दिया, एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू द पावर एन इंटू अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू द जेड। देखिए एन की वैल्यू 0 लिया, ये तो 0 इंटू पाई कितना हो गया 0, माइनस 1 रेस टू द पावर 0, यानी क्या मिल जाएगा आपको 1 इंटू अल्फा कितना हो गया अल्फा। फिर एन की वैल्यू 1 आ गई, 1 इंटू पाई पाई, माइनस 1 रेस टू द पावर 1 माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस मिल गया। फिर यहां पे आएंगे एन की वैल्यू 2 ले लिया, सो 2π ये मिल गया, माइनस 1 रेस टू द पावर 2 प्लस मिलेगा, प्लस इंटू अल्फा अल्फा हो गया। फिर एन की वैल्यू 3 तो ये मिलने को ना 3π प्लस माइनस 1 रेस टू द पावर 3, माइनस 1 का क्यूब कितना होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस अल्फा। यानी ये जो आपने लिखा हुआ है उसको सेटिस्फाई इसने कर दिया है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू द पावर एन अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा। अरे मैं तो साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया, तो ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपने को ये टेबल आना कैसा है बहुत जरूरी है। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अपने को इसकी बहुत जरूरत गिरेगी। क्या किया पहले मैंने 0π/2 π 3π/2 लिख दिया, बाद में भी अलोंग द एक्स एक्सिस लिख दिया, फिर अलोंग द वाई एक्सिस लिखा, और पहले रोटेशन में अल्फा,
फिर पाई माइनस अल्फा, यहां तक पूछूंगा ना पाई माइनस अल्फा, इधर आऊंगा पाई प्लस अल्फा, फिर यहां पे बात करूंगा टू पाई माइनस अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, फिर इधर आ जाऊंगा थ्री पाई माइनस अल्फा थ्री पाई प्लस अल्फा, फिर यहां पे आऊंगा फोर पाई माइनस अल्फा फोर पाई प्लस अल्फा। पाई का ही रेशियो लेते हैं, पाई बाय टू का रेशियो ले नहीं लेते क्योंकि पाई बाय टू में ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं आपके रेशियो चेंज होते, दे आर कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लीमेंट्री, तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज हियर पाई। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे देखा कि ये दोनों पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव का रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिख लिया है और यहाँ पे किसका लिख लिया सेकंड क्वाड्रेंट, फिर उसको क्या कर दिया मैंने अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद मैंने क्या किया उसको लॉजिकल टर्म को अरेंज करने के बाद में फिर मैंने उसको देखा कि अब इसके अंदर अपने को कैसे निकालना है, पाई 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 सब जगह आ रहा, टू के बाद में थ्री आ रहा फोर आ रहा फाइव आ रहा, मतलब एन पाई हो गया, अल्फा सब तरफ दिया तो अल्फा लिख दिया, डिफरेंस का और सिर्फ माइनस प्लस में हो रहा, तो अगर ऑड है तो माइनस आ रहा, इवन है तो प्लस आ रहा, ऑड है तो माइनस आ रहा, इवन है तो प्लस आ रहा, तो माइनस वन रेस टू द पावर एन, अगर ये ऑड है तो आपको माइनस मिलेगा और अगर ये इवन है तो आपको प्लस मिलेगा। ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन, है ना। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, दैट इज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन इज टू द पावर एन अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये चक्री बराबर ध्यान में रखना है, ये चक्री में आपको फिर से जब अपन प्रॉब्लम देखेंगे ना इसके बाद की जो एक्सरसाइज है 3.1 वो जब एक्सरसाइज देखेंगे ना वहां पर ये चक्री में आपको फिर डिटेल में समझा के दूंगा। अभी मैं आपको ये प्रूव करने के लिए कैसा, यानी ये जो आपका जनरल सोल्यूशन जो लाया हुआ है, क्योंकि पेपर में ये जनरल सोल्यूशन प्रूव करने के लिए आते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसको थेरोटिकल समझ के छोड़ देते, छोड़ने का नहीं है, ये प्रूव करने के लिए एग्जाम में आते हैं और बहुत आसान प्रूफ है ये सिर्फ ध्यान में आपको रखना है। इसको अगर आपने ध्यान में रखा तो ये पूरे आपको प्रूव करते आते हैं, कुछ भी नहीं इनके अंदर, ये तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू मालूम होना इन टर्म्स ऑफ कॉस और कॉस थीटा की वैल्यू मालूम होना इन टर्म्स ऑफ कॉस, है ना। तो ये एकदम आसान है, ये भी बहुत आसान है, आपने देखा होगा ना इसको लिखने के लिए क्या किया, ये अप्लाई किया बस, बाकी कुछ नहीं, ये तो लॉजिक वाला पार्ट है, ये तो आपको आता ही है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया, ये मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए फिर से समझा के देता हूं, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए फिर मैं आगे आपको कुछ ठीक है समझ गया आप सभी को ये। तो जिस तरीके से अपने साइन थीटा का किया ऐसा ही कॉस थीटा और टैन थीटा करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में ये सब के सब आपको अच्छी तरीके से दिए हुए हैं, मैंने आपको ये एक आपको समझा के दिया हुआ है और बाकी थ्योरम आपका 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 एंड 3.6 में आपको दिया हुआ है, आप उसको अच्छी तरीके से टेक्स्ट बुक में से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आएगा तो मैंने ये कैसा लॉजिक अप्लाई करना वो आपको यहाँ पे सिखाया हुआ है ना। तो इस लेक्चर में अपन यहीं पर ही गाड़ी रोकते हैं, फिर इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसमें आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आया होगा, हाँ थोड़ा सा यहाँ आपको प्रॉब्लम आया ही होगा, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको ये नहीं पढ़ाया होगा तो फिर वहां पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, और जिन क्लासेस में ये पढ़ाया गया होगा तो प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं है। फिर भी जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे की एक्सरसाइज 3.1 जब अपन सॉल्व करेंगे तब पहले मैं आपको ये फिर से एक्सप्लेन करके दूंगा, क्योंकि ये अगर आपको समझ गया तो आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे, अगर आपको ये नहीं समझ गया तो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना फिर आपके बस की बात नहीं है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये बेसिक आना बहुत जरूरी है ना। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, नया चैप्टर चालू किया है अपन ने, प्रॉपर सही तरीके से आप नोट्स बनाइए, लेक्चर आप सीरियल देखिए यानी कंटिन्यूस मैनर में देखिए, रैंडमली लेक्चर मत देखिए, रैंडमली अगर आप लेक्चर देखोगे तो आपको समझने में बहुत परेशानी जाती है, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं रैंडमली लेक्चर देखते हैं उसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है, बेसिक से देखिए स्टार्टिंग से आप देखिए तो आपका चैप्टर वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि अरे अपन मैथ के बारे में इतना डरते थे तो मैथ में डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या जरूरत है आपको बेसिक समझना, ये जो मैंने आपको समझा दिया चक्री आपकी जो समझा दिया ये बेसिक है, ये आपको समझ में आने को ना, इसके पहले मैंने पूरा थ्योरेटिकल आपको समझा के दिया है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में समझाया, जनरल सॉल्यूशन के बारे में समझाया, सॉल्यूशन क्या रहता वो अपने देखा हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब मिलते हैं, फिर उसके पहले अपने क्या देखा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ये बहुत कुछ इस लेक्चर के अंदर अपने डिटेल देखा हुआ है, यानी पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन अपन ने इस लेक्चर के अंदर क्या किया अपने कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके आगे की जो एक्सरसाइज है 3.1
उससे बात करेंगे अपन, वो टॉपिक अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन उसको सॉल्व करेंगे। आप ये जो बचे हुए जो पांच है ये आप टेक्सटबुक में से याद से नोट डाउन कर लीजिए, कहीं भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, फिर मैं उसका आपको सेपरेट वीडियो बना के क्या करूँगा आपको अपलोड कर दूंगा। आयन में अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हुआ है तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के बाय।